नमस्कार, मैं शैलेश चौहान, आप देख रहे हैं GLCC न्यूज। आप सबको पता होगा जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में एंटर होने जा रहे थे तो उन्होंने दिल्ली के लोगों से काफ़ी सारे वादे करे थे। उन्होंने ये कहा था कि हम सड़कें बनवाएंगे, फ्री बिजलियां प्राप्त करवाएंगे, सरकारी नौकरियां लगवाएंगे और काफ़ी अन्य वादे उन्होंने करे थे। जब उन्होंने वादे करे तो काफ़ी अन्य पार्टियों ने उनको ट्रोल करते हुए ये कहा कि तुम यहाँ की जनता को क्यों मुफ्तखोर बनवा रहे हो, क्यों यहाँ की जनता को फ्री का लालच देते हुए क्यों अलग राजनीति कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा अरविंद केजरीवाल उस टाइम पे ट्रोल हुए थे, लेकिन जब वो सत्ता में आए, वो लगातार 2 साल सत्ता में आए और उन्होंने अपने सारे वादे पूरे करे। उन्होंने महिलाओं के लिए DTC बसों में फ्री ट्रैवल करवाया, स्कूल बनवाए सरकारी स्कूल, जो पहले के टाइम पे सरकारी स्कूल थे उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, टीचर्स आते नहीं थे, स्कूल में पढ़ाते नहीं थे, लेकिन अब जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। और उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल बनवाए, जो मोहल्ला क्लिनिक जिसको आप लोग कहते हैं उन्होंने वो बनवाए, सड़कों पे उन्होंने काफ़ी सारे कैमरे लगवाए। लेकिन अब उनको ही देखा देखी, उनके ही नक्शे कदमों पे चलते चलते काफ़ी सारी पार्टियाँ उनका ही जो है स्टाइल कॉपी कर रही है। हम कह सकते हैं कि उनका ही स्टाइल कॉपी कर रही है। जैसे कांग्रेस ने पंजाब में ये कहा कि हम साल में 8 सिलेंडर फ्री करवाएंगे, महिलाओं को हर महीने 1100 रुपये दिए जाएंगे, 1 लाख सरकारी नौकरी का उन्होंने वादा करा है और वृद्धावस्था पेंशन जो है उनको में बढ़ोतरी होगी। पहले मान लो जैसे 1000 रुपये थी तो अब शायद 2000 हो जाए, 3000 हो जाए या कितनी भी हो जाए, ये जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तब ये देखा जाएगा। और उन्होंने कहा है कि दाल मक्का पे MSP मुफ्त होगी और मुफ्त स्वास्थ्य जो है पंजाब की जनता को दिया जाएगा। और ऐसा ही नहीं, जब UP में इलेक्शन हो रहे थे तब तो अखिलेश यादव ने ये कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, रोजगार देंगे, महिलाओं के लिए जो है फ्री बस में ट्रैवल करवाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें अखिलेश यादव ने वादे करे। पहले तो अरविंद केजरीवाल को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करा जाता था कि तुम जनता को क्यों फ्री का लालच देते हुए ऐसी राजनीति कर रहे हो। हमारे देश में आज भी राजनीति या तो धर्म को लेकर होती है या शिक्षा को लेकर होती है या फ्री बिजली, फ्री राशन या ऐसी कई सारी चीज़ें कि हम आपको फ्री पानी दिलवाएंगे, आपका फ्री ट्रैवल करवा देंगे या आपकी सड़कें बनवा देंगे। आज भी हमारे देश में राजनीति सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे जीती जाती है। आप सबको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस सरकार पंजाब में आई तो वो अपने वादे पे खड़ी होंगी जैसे अरविंद केजरीवाल खड़े हुए थे, या वो सिर्फ ऐसे झूठे वादे कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस जो थी सत्ता में थी लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं करवाया। उन्होंने काफ़ी सालों तक देश में राज कराता है, राज ही कहेंगे, जब उनके प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। और इनसे पहले भी यही देखा जाता था कि सरकार ऐसा कहती थी कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास बजट की कमी होगी, इसलिए हम जो है प्राइस महंगाई जो है हम बढ़ाते जा रहे हैं इस वजह से। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने नई क्रांति लेकर आए, उनका देखे सभी ये क्रांति अब जो है हर कोई लेकर आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे होते हैं, सरकार के पास पूरा बजट होता है जनता के ऊपर लगाने का, लेकिन वो अपने ऊपर ही लगाते हैं, जनता के ऊपर नहीं लगाते। जब उन्होंने देखा कि अब ऐसे भी राजनीति जीते जा सकती है फ्री राशन देकर, फ्री बिजली देकर या फ्री ट्रैवल करवा कर, तो सारी पार्टियां अरविंद केजरीवाल की तरह ही जो है राजनीति कर रही है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।